व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मासिक समीक्षा बैठक एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं सहित 17 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा पिछली बैठक में प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई की गई। बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया, अभिषेक शाही, रमेश गुप्ता, अरशद जमाल सामानी, अभय निषाद, अर्मिता श्रीवास्तव सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, कराया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए महिलाओं द्वारा गोलघर बाजार में चाइनीज मेहंदी हाथों पर लगवाई जाती है, उसको तत्काल बंद किया जाए जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण से बचा जा सके। मोबाइल नंबर 80 81 मॉडल नंबर M5 जिसका IMI नंबर 86 लगवाने का आदेश देने की कृपा करें जिसमें इससे मेरा मोबाइल मिल सके। आवश्यक कार्रवाई के प्रभारी सरंजान को निर्देशित किया। ये मीटिंग व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मासिक समन्वय बैठक है। व्यापारी बंधुओं से संबंधित जो भी उनकी समस्याएं हैं, खासतौर से सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो ये मीटिंग प्रत्येक माह हम लोग इसी हॉल में, इसी कक्ष में ये करते हैं। तो उसी क्रम में आज की मीटिंग है ये, और पिछले मीटिंग में क्या क्या शिकायतें बताई गई थी या जो भी समस्याएं थी उन्हीं सब के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये आज कोई नई कोई समस्या के बारे में जानकारी नहीं हुई है, तो व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ से संबंधित मीटिंग चल रही है। सर, एक और शहर में पार्किंग की व्यवस्था को लेकर जाम को लेकर व्यवस्था के लेकर किसमें व्यापारियों का सहयोग मिलता है? यातायात के संबंध में, खास तौर से ये जाम लगने के संबंध में, और कहीं कहीं अनावश्यक रूप से अनावश्यक पार्किंग के संबंध में लोग अपना गाड़ी खड़ा कर लेने से आवागमन में जो दिक्कतें होती रहती हैं, इसकी समस्याएं व्यापारी भाई लोग अपना बताते रहते हैं। तो कभी चौकी प्रभारी जटेपुर को बुला करके उनको निर्देशित किया गया है, और बाकी तो सभी संबंधित को पत्राचार के माध्यम से और ये फोन के माध्यम से भी इनको अवगत कराया जाता है। और ये चूँकि ये भी है कि गोरखपुर में वर्तमान में भी अविगत काफ़ी महीनों से ये निर्माण काम भी चल रहा है, तो कभी कभी इस तरह से समस्या का आना स्वाभाविक भी है, लेकिन सबके सहयोग से इन समस्याओं को दूर, व्यापारी बंधुओं के सहयोग के लिए भी समस्याओं का निदान किया जा रहा है।